ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, ये है रंग बिरंगी लस्सी, और ये देखिए इसको बोलते हैं उल्टी लस्सी। और मैं हूँ यहाँ सूरत में, क्योंकि यहाँ पर लोग हैं सीधे और लस्सी है उल्टी। उल्टी लस्सी का यहाँ बहुत मज़ा आता है, लोग दूर दूर से आते हैं। सूरत में तो ये घर घर में फेमस है। ये मैं हूँ चौक के पास, और ये है जय शंकर लस्सी, ये बहुत ही फेमस लस्सी है। तो आज मैं यहाँ मज़ा करने वाला हूँ, लस्सी पीने वाला हूँ, और यहाँ जैकी भाई जी की बाइट लेने वाला हूँ, और अंदर से आपको दिखाऊंगा कि इनका सेटअप कैसा है, क्योंकि ये 60-70 साल पुरानी है, दादाजी पिताजी के ज़माने से चली आ रही है। और आपको यहाँ पर बहुत मज़ा देखने को मिलेगा। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि ये गिरती नहीं है, और इसको आप घर में जाके फ्रिज में भी रखेंगे तो ये ऐसे ही रहने वाली है। तो लेकिन मैं मज़े लेने वाला हूँ, क्योंकि इसमें कलर भी बहुत अच्छे अच्छे हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्या बात है, चलिए तो करते हैं शुरुआत आज की इस लस्सी के साथ, जय शंकर लस्सी। जैकी भाई जी, आप हमें बताइए कि ये आपका सेटअप, आपका ये शॉप कब स्टार्ट हुआ? सबसे पहले मैं मेरे ग्राहक मित्रों का दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। 72 इयर्स पहले की पीढ़ी है हमारी, आज से 72 साल पहले हमारे दादा दादी ने ये लस्सी की दुकान की शुरुआत की थी। जब वो वहाँ पे थे, यहाँ पे आए, इनके पास कुछ नहीं था। आज ऊपर वाले की मेहरबानी है, हमारा एक 100 आदमी का परिवार है, एक 100 आदमी का परिवार दिलो जान से इसमें मेहनत करता है। उनका साथ बरकत, उनकी एकता की वजह से जयशंकर पेढ़ी का पाया लगा हुआ है। क्या बात है, और उनकी मेहनत का परिणाम आप आज देख रहे हो। मैं दो बात बोलना चाहूँगा। हाँ जी। कि आप इंडिया की बात ही मत करो। अच्छा, इंडिया के तो सब जगह से लोग आते हैं, पर अभी हमारे वहाँ दुबई, लंदन, अमेरिका, अरे जर्मनी, क्या बात है, इंग्लैंड, वहाँ से वहाँ से वो कोई नहीं आते जो हमारे सूरत से सब लोग वहाँ पे गए। अच्छा, उनके दिल में हम बसते हैं। ओके। एक ही शॉप है, चौक बाजार, कमाल गली, जलाराम रसावाला खमन के बाजू में, आपके अपने खुद के जैकी भाई, जैकी भाई अंकल लस्सी वाले। हमको किधर नहीं जाना है, हम लोगों के दिल में वही बहुत बढ़िया है। आपको आना है, यहाँ आइए, हम आपको परिवार की तरह आपका स्वागत करेंगे। हम दो भाई हैं, जैकी भाई मिथुन भाई, और बाकी के सब परिवार के सदस्य हैं। अच्छा, एक भाई का नाम मिथुन और एक का जैकी, ये इसके पीछे की USB बताओ जरा। ये पापा को है ना, हाँ, फिल्म का बहुत शौक था। अच्छा, वो पापा भी अपने आप को खुद अमिताभ बच्चन समझते थे। वो इतने लंबे लंबे बाल रखते थे। अरे वाह, फिल्मी एक्टर पे हम दोनों का नाम रख दिया, जैकी भाई और मिथुन भाई। अरे वाह, और मेरे पिताजी ने भी यही कांड किया। एक फिल्म आई थी अनिल कपूर की, उसमें उसका नाम था अविनाश, तो उन्होंने मेरा नाम अविनाश कर दिया। तो मतलब कहानी वही है, वही है, वही है आपकी और हमारी कहानी। वो नाम से मुझे लगा कि आप भी थोड़े से फिल्मी तो हैं। ऊपर वाला कोई दिन चांस दे तो एक कैरेक्टर हम भी कर देंगे। अरे बिल्कुल सर, कभी मौका जरूर आएगा, ऐसा नहीं है। फिल्म में क्या है, बिग बॉस आता है हमारा सलमान सर का, हाँ, ऊपर जाना है। अरे चांस मिल जाए तो वहीं चले सर। सर बस सबको लस्सी पिला देंगे। क्या बात है। आज सर मैं सिद्धि विनायक होकर आया हूँ, उन्होंने चाहा तो आप जरूर जाएंगे। बस ये आपकी लस्सी घर घर पहुँच जाए, और बिग बॉस तो फिर खुद ही बुला लेगा। लस्सी पीजिए, यहाँ के हमारे कस्टमर का रिव्यू दीजिए, बिल्कुल मजा आएगी आपको। थैंक यू आसिफ भाई है, ये भी हमारे दादा के समय से। अरे क्या बात है, यहाँ पे हर धर्म का, हर कौम का बंदा आएगा। मैं एक ही अच्छा मैसेज देना चाहूँगा कि यार अच्छा करो, अच्छा बोलो, कोई आप लोग आगे बढ़ोगे। छोटा करने से बुरा करने से कोई दिन कोई, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए बस। आपका व्यवहार, और कोई भी छोटा आदमी है उसकी मदद करो। हाँ, सलमान सर ने जय हो पिक्चर में दिया है ना, तीन आदमी मदद करो, बहुत बड़ी बात है। आप मदद करोगे तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऊपर वाला मदद कर देगा। बस सर, सूरत में मुझे बहुत प्यार मिला है, खाने वाइज भी, और लोग भी बहुत प्यारे मिले हैं। ये मैंने कहीं नहीं देखा इंडिया में, इतना कॉर्पोरेटिव लोग हैं। तो ये अच्छा है, अगर वो ये मैसेज को मैं और जगह जगह भी लेकर जाना चाहूँगा। सूरत की जनता ऐसी है ना सर, पूरे वर्ल्ड में किधर चला जाए ना तो उसको देख के बोलेगा ये सूरत का आदमी है। ऐसी जनता है हमारी।
यस, तब तक है जान तब तक है काम। क्या बात है, क्या बेहतरीन, लाजवाब, मजा आ गया सर। जय शंकर की लस्सी पियो, जियो भर और जियो अस्सी। आज हम हैं सूरत में जय जलाराम के यहाँ पर, और यहाँ का जो है फेमस लोचो, खमन, खांडवी और स्पेशल। हाँ जी बताइए, आप बताइए। तो हमने बहुत सारी वैरायटी ली है, लेकिन यहाँ का जो मेन फूड है वो है लोचो। तो अभी हम इसको खाके बताएंगे कि खाने में किस तरह का टेस्ट आता है। ये यहाँ पर जो रस्सा है वो क्या है? इसमें हमारे पास दो वैरायटी है। हाँ जी, ये ड्राई खमंड है और ये वाला जो है ये आपका लिक्विडी खमंड बोलते हैं, रस्से वाला। रस्से वाला यहाँ तो, पर अगेन खांडवी भी है। अगेन हाँ खांडवी है। तो हमारे पास वैरायटी बहुत सारी है, लेकिन हम आपको स्पेशल लोचो लोचो खाते लोचो जो है वो यहाँ का फेमस है। हाँ, तो लोचो खाते हैं। कैसा टेस्ट है? हल्का सा इसमें खट्टापन है। मतलब मैंने तो अपनी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। यार गुजराती जो ब्रेकफास्ट है ना, मतलब वो वैसे भी मेरा फेवरेट रहा है, ढोकला वोकला और खांडवी। तो मैंने वैसे भी बहुत ट्राई की है, क्योंकि ये बहुत अच्छी डिश है। ये कमन ढोकला ये ट्राई करते हैं। ये खमन ढोकला है, ये खमनी है और ये सीरे वाला ढोकला है, रसले वाला बोलते हैं इसको। ये ट्राई करके बता दें कैसा है। खाने में तो सब सबका टेस्ट बहुत अच्छा है। स्पेशल जो यहाँ का लोचो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें मतलब खट्टा सा टेस्ट है जो कि लड़कियों को बहुत पसंद आता है। अब ये खमन ढोकला है, थोड़ा इसको ट्राई करते हैं, क्योंकि रसे वाला तो मैंने ट्राई किया है। ये थोड़ा खट्टा मीठा है, इसमें मीठा नहीं है लोचो जो है, और लोचो जो है यहाँ का बहुत ही फेमस है। खट्टा मीठा है। तो हम हैं यहाँ पर जय जलाराम में मयूर भाई के साथ, और मयूर भाई हमें बताएंगे कि ये जो रेसिपीज हैं ये कैसे रेडी होती हैं, और यहाँ पर कितना क्राउड आता है, और उनको 20-25 साल हो गए हैं इस शॉप को, तो बहुत ही बेहतरीन खाना बनाते हैं ये। तो सर बताइए कि क्या क्या आपके पास वैरायटी है? हमारे पास है सर पेटीज है। ओके। चाइनीज समोसा है। पेटीज है, समोसा है, पंजाबी समोसा है, पंजाबी समोसा है, खांडवी भी है। ये कौन सा समोसा हुआ? ओके, ड्राई फ्रूट समोसा हो गया। ये खमन हो गया, सेव खमन। ये अहमदाबादी खमन हो गया। ये रस्सा वाला खमन है। ये रस्सा क्या दाल है या क्या है? ये दाल बनाया है। ओके, ओ वाह, ये लोचा रेडी हो रहा है, बेहतरीन, क्या बात है। चने की दाल का बनता है। चने की दाल का, जैसे चने की दाल आपको कल लोचा बनाना है। ओके, दोपहर में उसको दाल भिगोना पड़ता है। ओके ओके, तो शाम के टाइम पे उसको 4 घंटे बाद उसको धुलाई करके, हाँ, उसको पीस के ड्राई करके, फिर उसको आटा डाल के, ओके, आटा में नमक आता है। ओके ओके, और पानी आता है बस। ओके ओके, कोई खट्टा चीज नहीं। ओके ओके ओके, सुबह में उसका आटा आ गया तो लोचा बनता है। लोचा बनता है, तो ये जो बना हुआ है इसके अंदर लोचा ही, क्या बात है। पेड़ा बोलते हैं इसको, इडड़ा। इडड़ा, इडड़ा, वाइट ढोकला, इडली आती है ना। हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ओ तो ये रेडी है। हाँ रेडी है, क्या बात है, ओए होए बेहतरीन। तो वैसे तो मैंने बहुत कुछ टेस्ट कर लिया है यहाँ पर, लेकिन ये वाइट ढोकला भी बहुत ही अच्छा खूबसूरत दिखा। तो मैं भैया के यहाँ पर, मयूर भाई के यहाँ पर जय जलाराम में ये भी ट्राई करना चाहूँगा।
चलिए देखते हैं कि ये कैसा है। ये मैं बाहर लेकर जा रहा हूँ। उसके ऊपर इन्होंने जो मसाला डाला ना वो बेहतरीन, और मसाला इनका खुद का ही है। अच्छा। तभी घर जैसा स्वाद आ रहा है। वाओ। थोड़ा इडली वाला फील आ रहा है ना। मतलब काइंड ऑफ, क्योंकि वाइट कलर है इसलिए। नहीं, हल्का सा खट्टापन भी है। नहीं, खाने में टेस्ट बहुत अच्छा है। और मैंने एक चीज नोटिस करी, क्वालिटी बहुत अच्छी है खाने की। मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा है कि हम कहीं और खा रहे हैं। लाइक घर का जो टेस्ट आता है ना, सेम वैसा सा मुझे फील आया। हम हैं सूरत में, और सूरत में आप पकवान नहीं खाएं तो फिर मज़ा नहीं आएगा जीवन में। तो क्यों रवीना जी? हाँ जी, कुछ हो जाए। वैसे हम चलते चलते हमारी नज़र पड़ी कि चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। तो इसको बोलते हैं पापड़ी, ओ सॉरी पकवान। और ये है मिक्स दाल, जिसमें 5 तरह की दालें मिक्स हैं। और इस पूरी डिश को जो बोलते हैं वो दाल पकवान। तो ये वैसे तो राजकोट का फेमस डिश है। अभी हम जो कि सूरत में हैं तो इसका नया ब्रांच सूरत में खुला है, तो हम ट्राई करके देखेंगे कि राजकोट का पकवान खाने में कैसा है। और ये पकवान बनाया जाता है, इसको हम तोड़ के इसका कचूमर बना देते हैं। हाँ, फिर इसमें ऐसे फोड़ के इसमें थोड़ा सेव डालते हैं, थोड़ा कांदा डालते हैं, इनकी 5-6 तरीके की चटनी डलती है। और फिर इस दाल को हम ऐसा डाल लेते हैं, डालिए डालिए डालिए, थोड़ा सा और डालिए रवीना जी, ऐसे डालेंगे नहीं तो कैसे चलेगा। दाल का कमाल है यहाँ पर, दाल पकवान में नहीं होगी तो फिर पकवान कैसे दाल वाला होगा। तो अब हम टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। और इसके साथ ये छाछ भी है, क्योंकि लोग यहाँ पर छाछ खाते हैं और ये भी खाते हैं। ये बचपन में मैं ऐसे उंगलियों में लगाकर खाता, तुमने भी खाया ऐसे? क्या बात है, ये हमारे नज़दीक के गांव की है तो इसने भी खाया ही होगा। और ये छाछ है तो इसके बाद लोग छाछ भी पीते हैं और फिर सो जाते हैं। इनने सोने की व्यवस्था भी कर रखी है, खा पी कर सो जाओ। तो क्या बात है भैया, दाल पकवान चल रहा है, क्या बात है। और तुम कैमरे से क्लोज भी आ सकते हो चाहो तो, तुम्हारा मन करे तो। यम्मी, बहुत मतलब खाने में इतना अच्छा टेस्ट है, लग ही नहीं रहा कि हम कुछ क्या बोलना चाहिए, सिंपल दाल जैसी कुछ चीज खा रहे हैं। इसमें जो पकवान है इसका क्रंची टेस्ट है, और इसमें दाल जो है दाल का खट्टा सा कुछ टेस्ट है। दाल का नहीं है, उसमें 6 चटनियाँ डली हैं, खट्टा मीठा। दाल प्लेन है, 5 तरीके की दाल है, उसमें हल्दी डली है खाली। हाँ। तो एकदम रॉ है। टेस्ट कितना, मतलब खाने में ऐसा लग रहा है कि हम क्या स्पेशल डिश खा रहे हैं। क्या बात है। तो अब मैं पूरा इसको यार, मैं तो कहूँगा मेरी मम्मी भी ऐसी नहीं बनाती थी दाल। हाँ, एग्जैक्टली। और टेस्ट के साथ साथ क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही है। बेहतरीन। तो भैया ये रहा है कि थोड़ा खाने में क्रंचीनेस भी आ जाए, थोड़ा देसी भी हो जाए, चटपटा भी हो जाए। भी खा सकते हैं इसके साथ? बिल्कुल खा सकते हैं। अरे आप कुछ भी खा सकती हैं, क्योंकि कहा गया है कि अगर आप इसके साथ खाओगे तो और टेस्ट बढ़ेगा। देखो हम बड़े डीट हैं, बचपन से हम बदले ही नहीं हैं, हम किसी चीज़ को ना ऐसे ही फाड़ देते हैं। मतलब हमारे अंदर शर्म हया तो है ही नहीं। ये उंगली दो, अपनी उंगली दो। हाँ, क्यों नहीं है। ये यस बेहतरीन बेहतरीन। भाई सूरत में आए तो खाना तो एक नंबर है यहाँ का। दाल पकवान जरूर खाएं। पहले जो हमने डिश खाई लोचा वो, और यहाँ का दाल पकवान एक नंबर। मतलब मैंने जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा टेस्टी कुछ खाया है। वेरी गुड। आप हमारे साथ रहेंगे तो आप ऐसे ही खाएंगे, क्या बात है। तो भाई भूख बहुत लगी थी तो इतना सारा हमने खाया, अब टाइम है ये छाछ पीने का। छाछ नॉर्मली कैसे कहते हैं,
वैसी होगी? नहीं, ये कुछ स्पेशल है, ये बोतल के अंदर है। सबसे पहली बात तो इसकी खूबसूरती वैसे ही बढ़ गई है, और लग रहा है इसके अंदर थोड़ा सा मसाला भी डला हुआ है। क्या मसाला मुझे नीचे से दिख रहा है, क्या बात है। अमेजिंग, बेहतरीन, क्या बात है। कल मैंने एक जगह छाछ पी थी, बट वो छाछ लगी नहीं थी, लेकिन मजा आ गया। कुछ खट्टा सा, कुछ तीखा सा स्वाद आया मुझे। कुछ खट्टा, मीठा, तीखा, इन्होंने मीठा तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा चटपटा सा। मीठा शायद उन्होंने कम डाला है, बट इसमें 6 चटनी है तो सारी है। क्या बात है, भाई मजा आ गया, बेहतरीन। क्या बोलते हो रवीना जी? बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये वही रवीना है, रवीना रवीना रवीना, मजा आ गया। खाने के बाद ऐसा लग रहा है कि हमें हर वीकेंड आना चाहिए आपके खाने। बिल्कुल, है ना? हाँ, क्योंकि हमारे जब ये ऐसी डिश कहीं मिलने वाली नहीं है, तो अब की बार जब क्या सिर्फ हमें आना चाहिए, नहीं, लोगों को भी आना चाहिए, लोगों को भी आना चाहिए। आप भी आ सकते हैं यहाँ पर दाल पकवान खाने के लिए। और ये जगह कहाँ पर है? बराचा मेन रोड, बम्बा गेट। तो ये सूरत में है, बराचा में, बम्बा गेट के पास में, बराचा मेन रोड बम्बा गेट। और यहाँ पर मिलता है ये बेहतरीन वाला दाल पकवान। ओए होए, मज़ा ही आ गया, मतलब बेहतरीन। साथ में छाछ। चीयर। सूरत में और मिसल पाव खाने का मेरा मन कर रहा है, क्योंकि मिसल पाव मुंबई में तो मिलता है, लेकिन सूरत में एक ऐसी जगह में आया हूँ जहाँ पर मिसल पाव मिलता है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लजीज। तो आइए खाते हैं। अरे वाह, रवीना जी तो यहाँ पहले से ही पहुँची हुई हैं। यार ये ऐसा कैसे, आपको पहले से पता था कि यहाँ पर अच्छा मिसल मिलता है? Yes. अभी हम शुरू करते हैं। इन्होंने देखो छाछ भी दिया है और ये चटनियाँ भी दी हैं, और मिसल जो इन्होंने लगाया है इसमें थोड़ा सा स्प्राउट्स डाला है, और बटर है इसमें, चीज़ है, और थोड़ा सा ये डिफरेंट है, यूनिक है, मतलब ऐसा जनरली रहता है कि मैंने खाया है मुंबई वगैरह में। तो चलो ट्राई करके देखते हैं। यस, व्हाई नॉट। पाव के साथ खाया जाता है। कैसा है? मैं तो देखो भुक्कड़ आदमी हूँ, तो थोड़ा सा चटनी भी एक नंबर। क्या अच्छा, बात है। जहाँ भी हमने खाया ना, मैंने फील किया है, मुझे ना यहाँ पे एक तो क्वालिटी मिली और दूसरा टेस्ट जो है ना वो घर वाला मिला है। तो आप बताओ आपको कैसा लग रहा है खाने के बाद? मुंबई की बात अलग है, लेकिन सूरत का जो हम लोग खास खास डिश खाए ना वो तो अमेजिंग है, बेहतरीन। बार बार आने का मन कर रहा, नेक्स्ट टाइम भी हम आते हैं। साथ में इसमें दही भी दिया था। छाछ भी एक नंबर है भाई, और गर्मी में ना ठंडा चाहिए। सही है। तो एकदम रस्सेदार, और एकदम इसमें तीखा हमने इतना बनवाया है, और तीखा है, लेकिन मज़ा आ रहा है कि थोड़ा सा और तीखा इसमें डाला जाए। तो थोड़ा सा इसमें रस्सा हम और डालते हैं। ओए ओए, क्या बात है। आई थिंक टेस्ट इसी का आ रहा है। खुशबू देख रहे हो तुम, खुशबू क्या आ रही है। बाद में थोड़ा सा फलसाड और ये भजिया, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, छोटू भजिया, बेहतरीन, क्या बात है। तो मुझे लग रहा है लस्सी में आपको बहुत ही मजा आ रहा है।
गर्मी है यार, गर्मी में तो इसके बिना तो कुछ और पता है अच्छी बात, इन्होंने दही भी दिया है जो कि हम इसमें डालेंगे। अरे बस बस। अरे यार तो हमें पाव के साथ खाना चाहिए ना। यस यस ट्राई करते हैं, ये लीजिए ये खाते हैं, लस्सी का मजा लेते हैं साथ में दही का, दही का भी मिसल का भी, मिसल का भी भाई मतलब बहुत ही मजा आए। यार दही डालने के बाद टेस्ट ही चेंज हो गया ना, कुछ खट्टा सा कुछ चटपटा सा आ गया। चटपटा भी है खट्टा भी है। बेहतरीन है, रवीना जी खुश हो गई, मतलब कि आज का खाना सक्सेसफुल। पूरे में पूरी पानी पूरी, और ये मिलती है सूरत में। सूरत में है हम गोस्वामी जी के यहाँ पर, और भाई गर्दी यहाँ पर ऐसे है कि मतलब 5 बजे स्टॉल चालू होता है और यहाँ पर भीड़ लग जाती है लोगों की। मतलब मेरा नंबर खुद आया आधा घंटे के बाद, तो भाई मैंने पानी पूरी ली और पानी पूरी बहुत ही दो चार उसमें वैरायटी में थी, लहसुन भी था, चल जीरा भी था और पुदीना भी था और खट्टा मीठा भी था। और उसके बाद मैंने लगवाया ये दही पूरी, और इसका दही बड़ा थिक है और अंदर बहुत सारे इनके मसाले हैं, तो खाकर बताते हैं कि कैसा है। जल्दी जैसे हम खाते हैं दिल्ली में या मुंबई में, वो क्या रहता है कि दही पूरी में थोड़ा रगड़ा रहता है, रगड़ा मतलब मटर रहता है, पूरी रहती है और ऊपर से थोड़ा सा दही डाल देते हैं। बट इसमें क्या है कि दही है, दही बड़ा थिक वाला है, मतलब जो क्रीमी दही होता है ना वो है। उसके साथ उन्होंने थोड़ी सी ये भुजिया बोले इसको, बूंदी बोले वो डाला है, सेब डाला है, और जो मसाला डाला है ना, और पूरी जो है इनकी वो बहुत ज़्यादा कड़क है, तो जो असली मज़ा है वो पूरी का है भाई। मतलब जिंदगी के जो मजे है ना वो हुए। सूरत आना है तो ये पानी पूरी जरूर खाना है। अरे क्या सूरत है, क्या सूरत है, क्या सूरत है, कलबती की सावरमती की सेवा करे जो पति की। तो हम हैं सूरत में, सूरत मतलब डायमंड, सूरत मतलब टेक्सटाइल, और सूरत मतलब बेहतरीन वाला खाना। तो आज हमने सुबह से जय जलाराम का खाया, खमन ढोकला लोचो, और उसके बाद दाल पकवान, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या, और अब शाम ढल चुकी है, अब हम यहाँ पर रात का खाना करेंगे एक्सप्लोर। तो आप मेरे साथ बने रहिए और सूरत का बेहतरीन बेहतरीन खाना हम आपको दिखाएंगे सिर्फ यहाँ। कहाँ भाई भूख लगी है पर। तो भैया हम बैठे हैं यहाँ पर नाइट बाजार सूरत में पिपलौड में,
और यहाँ पर ले रहे हैं खाने का मजा। और यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल हैं, जहाँ पर मैं बैठा हूँ वो है लारा डिश। और लारा डिश में मैंने ऑर्डर किया है एक ये घिनी डोसा और ये बटर, इसको क्या बोलेंगे, टपली डोसा या मटका डोसा, आप कुछ भी कह लो। और बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये आउटलेट अभी नया खुला है और लेकिन मतलब इनका जो हाइजीन लेवल है वो भी बहुत खतरनाक लग रहा है। और गार्निशिंग जो इन्होंने की है ऊपर से चीज़ की और इसकी चॉकलेट एंड जो थोड़ा सा कोरिएंडर है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और अब बस मैं ये खाने वाला हूँ, उसे रहा नहीं जा रहा है। और इसके साथ इन्होंने मुझे माजा भी सर्व की है और ये सोसियो भी सर्व की है और पानी भी है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। तो आप अगर नाइट बाज़ार में आएँ तो ये डोसे का लुत्फ़ ज़रूर उठाएँ, आप मुंबई और दिल्ली का डोसा खाना भूल जाएंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ से, तो देखते हैं कि कैसा है। चीज लोडेड है एकदम, बेहतरीन मजा आ रहा है। इनकी चटनी टेस्ट करते हैं कैसी है। अमेजिंग, थोड़ा सांभर हो जाए। सांभर में वही तीखापन है जो मुझे चाहिए। तो भाई साहब बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पर आए तो ये ज़रूर 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 ट्राई करें। और आज मैं हूँ लारा डिश में, ये सारा डोसा मेरे हिस्से है क्योंकि मैं खाने वाला हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ। और आपको खाना है, आपके हिस्से में जाना है, तो भाई आइए लारा डिश में और नाइट बाज़ार में और इसका लुत्फ़ उठाइए। हम है पंजाब दी हट्टी पे और हम खा रहे हैं यहाँ पर, देखो भाई पनीर टिक्का भी है इधर, मलाई चाप भी है और कौन सी है, मसाला चाप भी है। तो इधर चाप का भंडार है और क्योंकि ये पंजाब दी हट्टी है तो पंजाब का स्वाद आने वाला है। पंजाब मतलब समझ रहे हो ना, नॉर्थ इंडिया का टेस्ट, दिल्ली वाला टेस्ट। तो मैंने ये ऑर्डर कर दी है, एक मलाई टिक्का और एक दूसरी कौन सी हमारी, चीज़ गार्लिक चाप। चलिए दिखाते हैं आपको, ये तंदूर के अंदर है और अभी कहाँ तक ये पकी है और क्या हुआ है ये देखिए। ये हमने इसमें लगा दिया, इसमें अभी और 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट के बाद ये पक जाएगी, इसके बाद इसकी हम ड्रेसिंग करेंगे। भाई पंजाब दी हट्टी का ये चाप ना, मतलब वो बोलते ना मदहोश कर देना, वो कर दिया इसने यार मुझे, क्या ही बोलूँ यार, खा ही लेता हूँ। इधर चीज़ है, इधर टिक्का है, चीज़ चाप है और ये टिक्का है और ये बढ़िया वाली चटनी है और ये कांदा है और इधर माजा है और ये वाइट मिल्क है। तो शुरू करते हैं, रहा नहीं जा रहा मुझे, देखते हैं ये टिक्का है कैसा। वो रवीना ने तो फोन उठाया नहीं तो मैंने, जिम्मी क्या बात है, अकेले अकेले खाने के मजे चल रहे, ना फोन ना कॉल। नहीं वो मैं ऐसे इधर आया था तो मैंने कहा, मतलब तुमने तो फोन उठाया नहीं था तो अब नहीं उठाया तो मैंने भी तुम्हें फोन लगाया था, पर ये बताओ तुम खा क्या रहे हो ये बड़े अकेले अकेले। अच्छा ये टिक्का है और वो सोया चीज वाली, नहीं मैंने ऑर्डर कर दिया था, मैं तुम्हारे हिस्से का खाने वाला था बट मैंने ऑर्डर कर दिया था कि तुम तो आने वाली नहीं हो तो मैंने कहा मैं ही खा लेता हूँ। तो क्या बताया तुमने, ये क्या है, ये है पनीर टिक्का और ये है सोया चीज चाप। चीज, आई लव चीज। Yes. तो आके जरा देखते तो है तुमने क्या स्पेशल ऑर्डर किया है। चीज
ये तो दिल्ली में सबसे ज्यादा फेमस है ना, इसलिए पंजाब की हट्टी पे बैठे हम। अच्छा, स्वाद तो बढ़िया है इसका। अरे वाह, इतने जल्दी पता चल गया तुम्हें। ऐसा लग रहा है कि हम दिल्ली के ही खा रहे हैं बैठ के यहाँ पे। सोया चाप, एग्जैक्टली, विथ ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी, सुबह से हम ग्रीन चटनी के साथ ही मजा ले रहे हैं। नहीं, और ग्रीन तुमने पहना भी है। क्या बात है। मजेदार, मजा आ गया। तो ये बताइए कि यहाँ पर ये जो नाइट बाजार है, मतलब आप तो यहीं रहते हैं सूरत में, मतलब यहाँ पर क्राउड कैसा है? मतलब मैंने देखा अभी बहुत गैदरिंग थी, लोग आए हुए थे, और यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स हैं। तो मतलब मैं आया, पंजाब का नाम सुना, तो मैं दिल्ली से हूँ, तो थोड़ा सा मैंने कहा खाते हैं और वही टेस्ट मिला जो दिल्ली में है। तो आप बताइए कि बीइंग ट्राई, तो मैंने भी ये फर्स्ट टाइम किया, लेकिन ओके, क्वालिटी वाइज खाना बहुत। हाँ, मैं सोए से खा रहा हूँ, आप भी साथ में ही थे, तो फूड वाइज तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, मतलब बहुत ही स्वाद है। क्राउड तो आप सैटरडे संडे आके देखो, आपको बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी। नहीं, मैं आऊंगा ही नहीं यार, अब सैटरडे संडे क्राउड होगा तो मैं खाना खाऊं या क्राउड देखूं? मैं तो खाना है ना यार, तो इसके लिए मैं स्मार्ट, मैं इसके लिए आ जाया हूं। यस, तभी तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया, अकेले आके बैठ के खा रहे हो। भाई कॉल वॉल की बात मत करो, 2 घंटे गायब रहते हो। वो तो मेरा दिल अच्छा है तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, कोई बात नहीं। तो ये बहुत ही बेहतरीन है टिक्का चाप, और ये सोया चाप टेस्ट बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया। और उन्होंने बढ़िया तंदूर में पका दिए इसको, एक नंबर। मुझे दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा लगा। बहुत सारा बेहतरीन बेहतरीन खाना खाने के बाद अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर आयुष जूस और फ्रूट शॉप पे। ये एक फूड कॉर्नर है जो यहाँ पर लिंक रोड पर ही है, और यहाँ पर लोग बढ़िया बढ़िया फ्रूट सैलेड खाते हैं, और मैंगो शेक, बनाना शेक, एप्पल शेक, ड्राई फ्रूट शेक, दुनिया भर के शेक यहाँ पर खाते हैं। तो मैं बनाने जा रहा हूँ अपने लिए मैंगो शेक, और सोच रहा हूँ एक अंजीर वंजीर शेक भी बनवा लूँ, ताकि मेरे अंदर 100 हाथियों की शक्ति आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम मैंगो शेक और अंजीर शेक से हमारा ये नाइट का लास्ट डेजर्ट। तो भैया, हम आयुष फ्रेश फ्रूट डिश एंड फ्रेश जूसेस पर हैं, और ये हम हैं नाइट बाज़ार में पिपलॉड, और ये बन रहा है मेरा मैंगो शेक विद ड्राई फ्रूट्स, और सब कुछ फ्रेश फ्रूट्स के साथ बनता है। सूरत में अगर आप हैं, नाइट बाज़ार आ रहे हैं, तो रोड पर आएँ और इस फ्रेश फ्रूट्स का और फ्रेश शेक्स का मज़ा लें। सब कुछ इतना फ्रेश दिख रहा है, और यहाँ पर भैया सैलेड भी चल रहा है, ये देखिए ये फ्रूट सैलेड। क्या बात है, हाइजीन का भी फुल ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पर। ड्रैगन फ्रूट भी है यहाँ पर, क्या बात है। अच्छा, तो वहाँ पर मेरा काजू अंजीर सब उसमें जा रहा है मिक्सर में, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखिए, ये है यहाँ पर डेट्स हैं, अंजीर है, और ये खजूर है, और काजू है। ये अभी हमारा इसमें डलने जा रहा है। ये दूध आ गया, ये आइस में से निकला हुआ ठंडा ठंडा बढ़िया वाला दूध, क्या बात है। ओए होए होए, आइस भी डलेगा इसमें? अरे वाह, तो भैया ये अभी हमारा क्या बन रहा है? ये काजू अंजीर खजूर बन रहा है। ये काजू अंजीर और खजूर, काजू अंजीर और खजूर, और इसके साथ है क्या चीकू? नहीं। अच्छा, ये शेक का ही नाम है, काजू अंजीर और ये। ओके, और इसके बाद आप बनाओगे ये मैंगो शेक, उसके बाद अभी हमारा ये मैंगो शेक भी बनेगा विद ड्राई फ्रूट्स, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। और ये रेडी हो गया है, और रात के टाइम अगर आप यहाँ पर हैं नाइट बाज़ार में, तो ये आप अगर शेक लें तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा, क्योंकि सब कुछ फ्रेश है, वेजिटेबल्स बहुत फ्रेश दिख रहे हैं, और
बहुत ही मजा आने वाला है। बेहतरीन आए है, क्या लजीज दिख रहा है यार, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स और मैंगो की ऊपर से गार्निशिंग, ओए होए होए, बहुत ही मजा आने वाला भैया, क्या बात है। मिल्क शेक, बनाना शेक, काजू शेक, स्ट्रॉबेरी शेक और दुनिया भर के शेक इसमें से मैंने चूज किया है। मैंगो शेक और ये काजू डेट्स और अंजीर वाला शेक, तो ये दो शेक मैं पीने वाला हूँ और इसके बाद मैं घर जाके आराम से चैन की नींद सोऊंगा। तो शुरू करता हूँ मैं इससे, और आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए भाई भूख लगी है के साथ विद जिमी जोरदार। अमेजिंग, मजा आ गया। तो रवीना जी, सूरत में मजा तो बहुत आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मतलब खाना यहाँ का इतना रिच है, कल मैंने जितनी जगह खाना खाया यार, मतलब बहुत ही अमेजिंग था। और एक चीज मैंने यहाँ पर देखी, यहाँ की सड़कें बहुत ही खूबसूरत हैं और मतलब खड्डे वड्डे नहीं है, रेड लाइट वाला यहाँ पर हिसाब है ही नहीं, तो ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होता है और बिल्डिंग बहुत प्यारे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे बीचेस इतने हैं ना कि हम सोच भी नहीं सकते, कि काउंट नहीं कर सकते इतने बीचेस हैं। हाँ, हर जगह पे बस, मतलब मैं कभी कभी सोचता था कि ऐसे यार नीचे का जो ट्रैफिक है इसको खत्म करने के लिए बना दो ना ऊपर स्काई ब्रिज और ये सब, तो ये यहाँ पर ऑलरेडी है। मतलब ये अंडररेटेड सिटी है, इसको और वैल्यू मिलनी चाहिए। तो आज हम डे हमारा दूसरा है ये, और हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, हम हैं पार्ले चौक पर हैं हम, यहाँ पर जानी लोचो है, तो उसके पास थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि वो बहुत ही फेमस है, यहाँ नज़दीक ही है। तो आपको भूख लगी है? बहुत भूख लगी है, बहुत लगी है। ओ माय गॉड, ये छोटा सा स्टमक, इसको छोटू से स्टमक को बहुत भूख लगी है, मुझे तो लगी है। तो चलते हैं जानी लोचो और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं, भाई भूख लगी है। अरे क्या बात है, मजे लिए जा रहे हैं। ये लोचो बड़ा फेमस है यहाँ का, पता है? मुझे तो बहुत पसंद आया। गर्म खाने में तो लज़ीज़ लग रहे हैं। हाँ यार, ये चटनी भी ट्राई करते हैं। चटनी बहुत अच्छी है यार, ये थोड़ा अमरूद जैसा लग रही है, किस चीज़ की चटनी है ये? मतलब हल्का सा मीठापन है, थोड़ा तीखापन भी है, लेकिन बेहतरीन लग रही है। और लोचो जो है यार, वो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। चटनी के साथ खट्टा और मीठा दोनों का स्वाद आ रहा है। मतलब मुझे थोड़ा सा तीखा पसंद है, थोड़ा सा खट्टा पसंद है, मीठा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इनका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है। मतलब मुंह में जाते ही ये लोचो मेल्ट हो जाता है। yes. और ये चटनी जो है बहुत ही सही है, थोड़ी सी मीठी थोड़ी सी खट्टी, तो भाई बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो पार्ले पॉइंट जरूर आए सूरत में, और पार्ले पॉइंट के बगल में ही है ये, तो ये ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, जॉनी लोचो। एक नंबर, क्या बात है, बेहतरीन। अरे यार रवीना जी, ये लोचो खाकर ना मजा आ गया यार। और लोचो ना खाओ तो क्या ही, जानी भानी लोचो, क्या नाम है यार वो गुजराती, जानी लोचो। अरे यार, मतलब कि जो चटनी थी और ये जो इसका टेस्ट था ना यार, मजा आ गया, बेहतरीन। मतलब देखो दोस्तों, अगर आप जानी लोचो आएंगे पार्ले पॉइंट के पास, तो आपको मजे आ जाएंगे भाई, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और इस एरिया में आप हैं, तो इससे अच्छी चीज कुछ नहीं हो, क्योंकि ये बहुत फेमस है। फेमस है भाई, और इनके छोटू सा स्टमक मतलब अभी फिल हो गया है, फिलहाल अगले एक दो घंटे के लिए एनर्जी आ गई है। हाँ। तो अब यहाँ का हमारा पार्ले पॉइंट का हो गया है, अब हम देखते हैं कि अगला फूड ज्वाइंट क्या है, क्यों। और यहाँ पर इस एरिया को बोला जाता है कि बहुत ही पॉश है, राइट। तो हम यहाँ पर और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं आसपास, और आपको हम बताएंगे कि कैसा स्वाद है और क्या है, और मज़ा बहुत आ रहा है सूरत में, क्यों जी।
रवीना, हाँ। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, लेकिन बड़ा पाव है जबरदस्त दस्त। क्या बात है, क्या बेहतरीन बड़ा पाव है। इधर चीज है, पेरी पेरी है, तंदूरी है, और क्या चाहिए भैया जीवन में। तो क्या खाएंगे आप? अभी ऐसा है ना कि कभी कभी कुछ चीजें खुद से हैंडल कर लेना चाहिए। तो जैसे अभी तो ये जो लग तो बहुत अच्छा रहा है, स्वादिष्ट लग रहा है, हाँ? लेकिन अभी तो तुम ही हैंडल करो इसको। ये तो देखो मेरा हो गया डबल फायदा, पता है कैसे? ये भी मैं खाऊंगा, ये भी मैं खाऊंगा। लग रहा है रवीना का पेट खराब है। तो भाई यहाँ पर लगी है इतनी सारी भीड़, लाइन देखो कितनी लंबी लगी है, और रवीना का मन कर रहा था समोसे खाने का, तो वो लगी है देखो उधर लाइन में, और वो कुछ तो समोसे लेकर आने वाली है। और उसके साथ यहाँ पर खमन भी फेमस है, यहाँ का लोचो भी फेमस है, और समोसे तो है ही हैं। तो देखते हैं कि वो कितनी देर में समोसे लेकर आती है, क्योंकि लाइन बहुत लंबी है, हो सकता है आधा घंटा भी लग जाए, क्योंकि टेस्ट है तो इतना तो अफोर्ड करना ही पड़ेगा। ये तू मेरा माल है, लेकिन ये कमाल है। क्या बात है, आधा खा गई, अब ये मुझे तो थोड़ी सी दया आ गई, तो तेरी ले ले आई। अरे वाह, तुम तो राइमिंग कर रहे हो, आधा खा गई और दया आ गई, क्या बात है। अब खा के बता कैसा है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। अच्छा बता कैसा है। मुझे ये ज्यादा कलरफुल दिख रहा है, पहले मैं ये खाता हूँ। ये क्या इडाला है? इडाला ओ इडली, थोड़ा खट्टा मीठा है, चटनी बहुत ही बढ़िया है। ये ट्राई करते हैं, ये क्या है? ये है दाल समोसा, और मुझे लगता है इसके जैसे दाल समोसा तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। ये इडाला खा के देखो कैसा है, ये खाया तुमने? ये तो मुझे इडली जैसा टेस्ट लगा, लेकिन ये खा के बता। अच्छा जी, ये दाल समोसा भी देखते हैं आप कैसा है। चने की दाल की स्टफिंग है इसके अंदर, अच्छा कमाल है। तो भाई इतना सारा खाना खाने के बाद पेट में थोड़ा सा हलचल हो रही है, तो पेट को हमें क्या करना है, थोड़ा सा देना है आराम। और नारियल पानी क्या होता है, ठंडा होता है पेट में, ठंडक। तुम पीने का सोच रहे हो और मैं तो पी रही हूँ। यार ये तो मतलब यार ऐसे कैसे हो गया यार। जो मजा नारियल पानी में है ना, वो जवानी में नहीं है। क्योंकि आप इसको बुढ़ापे में भी पी सकते हो, बचपन में भी पी सकते हो। यस, और ये पियोगे तो जवानी तो बनी रहेगी भैया, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है। यस, ला पिज़्ज़ा ट्रेनो भाई, भूख लगी है। सूरत में घूमते घूमते हमारी गाड़ी रुकी है यहाँ पर ला पिज़्ज़ा ट्रेनो जंक्शन पे। यहाँ पर मैं खाने वाला हूँ अनलिमिटेड फूड, यहाँ का बेहतरीन वाला पिज़्ज़ा, जो कि इनका दावा है कि ऐसा पिज़्ज़ा हम खिलाते हैं और कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर है स्वाद अनलिमिटेड फूड में और इनके पिज़्ज़ा में, और इसके बाद ही हमें खिलाते हैं आइसक्रीम, और आइसक्रीम जो है वो तो और ही अमेजिंग है। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ इनके साथ अपना खाना, अपना अनलिमिटेड फूड और बढ़िया वाली आइसक्रीम, तो मेरे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज यहाँ पर हमारा खाना, क्योंकि बहुत भूख लग रही है भाई। चलो रवीना जी, ये देख रहे हो क्या है? अरे मुझे तो देख के ऐसा लग रहा है कि बस अभी टूट पड़ूं, क्या खाऊं। ला पिज़्ज़ा ट्रेनों में हम बैठे हैं और यहाँ है अनलिमिटेड फूड,
और इतना सारा फूड यहाँ पर हमने टेबल पे लगा के रखवा लिया है, और बहुत सारा है जो कि यहाँ लग भी नहीं सकता, हम बाद में खाएंगे, अभी हमारा पिज़्ज़ा भी आएगा। तो हम क्या करते हैं कि इससे पहले कि खाना ठंडा हो, खाने की करते हैं शुरुआत। और ये सबसे पहले मैं तो बारबेक्यू खाना चाहूँगा और टेस्ट करके बताता हूँ आपको कैसा है। यार बेहतरीन, इन्होंने फेंटा भी दिया है, वो तो हम बाद में पियेंगे, लेकिन वैरायटी तो देखो आप, चाइनीज है, साउथ इंडियन है, साथ में आप देखो। यार मैं इनका ये ट्राई करता हूँ, सूप है, लाजवाब, मतलब अनलिमिटेड में आपको इतना सब मिलने वाला है, सिर्फ 300 रुपीस। इसमें मुझे ऐसे लगा कि दाल का स्टफिंग है आलू की जगह, टिशू वगैरह के भी इन्होंने रखे हैं, और इसके साथ इन्होंने सूप ट्राई करो, बहुत अच्छा है। पानी पूरी भी दिया है, पानी पूरी मैं ट्राई करना चाहूँगा। ओहो ये ऐसे खुलेगा शायद, और ये आई थिंक एक मिनट, ये शायद ऐसे भरना पड़ेगा हमें, क्या बात है, तो बहुत ही मजा आ रहा है। तो अगर आप सूरत में हैं तो एक बार ये ला पिज़्ज़ा ट्रेनर को ट्राई जरूर करें, क्योंकि खाना बहुत अच्छा है। ये सूप भी दिया है इन्होंने, चाइनीज भी इनके पास है, नॉर्थ इंडियन भी इनके पास है, और पिज़्ज़ा भी है, पिज़्ज़ा भी इनका, और पिज़्ज़ा सबसे बड़ी बात है इनका पिज़्ज़ा डिलीवर ये करते हैं, अभी ट्रेन ऊपर से घूम कर आती है वो पिज़्ज़ा डिलीवर करती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कैसे होता है, मतलब मजा आ जाता है, पेट भर आप खा सकते हैं यहाँ बैठकर, क्या बात है, बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे तो। क्या बोलती हो? अरे मजा आ गया, मतलब यार मेरा तो ऐसे हो गया कि मतलब आत्मा तृप्त हो गई यार, इनके चाउमीन भी उतने अच्छे थे, इनका पास्ता भी उतना बढ़िया था, और जो इनका डोसा था उसमें दाल वाला कुछ स्टफिंग था, तो वो मतलब बहुत ही बेहतरीन हो गया, फेंटा वेंटा इन्होंने दी, और सब कुछ अनलिमिटेड है यार, मतलब पेट भर गया, पेट भर गया, दिल नहीं भरा अभी, क्योंकि अभी पिज़्ज़ा और आने वाला है, और वो ऊपर ट्रेन से आता है, अब वो देखते हैं छुक 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 करते एक ट्रेन आएगी ऊपर से, और वो हमारा पिज़्ज़ा यहीं पर हमारी टेबल पर हमें सर्व करेगी, तो हम उसका ही इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी तो ये खाना आप देख ही रहे हो। तो इस ट्रेन ने, जिस ट्रेन में हम बैठे हैं वो तो हम बैठे ही हैं, लेकिन एक और ट्रेन चल गई, ट्रेन के अंदर ट्रेन, ट्रेन के अंदर भाई ये मजा है, ला पिज़्ज़ा ट्रेनों में, ये पिज़्ज़ा है ना यार, ये मतलब इतना बड़ा पिज़्ज़ा तो मैंने डोमिनोज में भी नहीं देखा, उनका जो सबसे बड़ा पिज़्ज़ा होता है ना वो इतना बड़ा नहीं होता है, 12 इंच से ऊपर ही लग रहा है, 14-16 इंच लग रहा है यार, मतलब मजा आ गया, बेहतरीन भाई, मैं तो यार ये कहूँगा शुरू कीजिए, मैं जरा ऑडियंस से बात कर लेता हूँ, जनता से, जनता जनार्दन से, जनता जनार्दन मैं ये कहूँगा कि भाई मैं सूरत में बैठा हूँ और यहाँ पर मैंने जितना खाया ना अभी तक सभी लजीज और एकदम बेहतरीन वाली चीज़ें हैं, और मैं अब जो जहाँ पर आया हूँ ये सबसे बेहतरीन लगा है, क्योंकि यहाँ जो अनलिमिटेड फूड था वो बहुत बेहतरीन था,
और मतलब पिज्जा का तो कहने ही क्या यार, ये इतना सुंदर दिख रहा है मतलब कि इसको घर ले जाओ और सिरहाने रखो और सोकर उठो तो इसे देखो। यस यार भैया टिश्यू दे दो, थोड़ा टिश्यू पेपर कुछ अलग लग रही है ना। वो मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या, जनरली मोजरीला होता है और एक दूसरा वाला होता है वो चिडार चीज होता है, ये चीज कौन सा है? चीज इसमें क्रीम भी डला है क्या? मखनी सॉस? ओहो भाई ये यहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही मज़ा आ रहा है गाइस, तो बस अब मैं यही कहूँगा कि आप यहाँ आएँ और खाएं, और इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बहुत भूख लगी है। हमें एंजॉय करने दीजिए, आप भी एंजॉय करो और मज़े करो और यहाँ पर आओ, बेहतरीन। मैंगो का अलग मज़ा है, ये खाओ ऐसा लगेगा आपने रियल में पान खाया है। अच्छा ऐसा ट्राई तो करो, पान बाहर पान मसाला। यस बेहतरीन। तो भाई मेरा तो पेट भी भरा है, मन भी भर गया है, तो आप लोग भी आओ और खा के देखो यहाँ का टेस्ट, और अनलिमिटेड में आपका मन पेट सब भर जाएगा। सूरत में आना है आपको यहाँ पर ला पिज़्ज़ा ट्रेनों में, अनलिमिटेड खाओ पिज़्ज़ा खाओ, वैरायटी वाले पिज़्ज़ा वैसे जो अलग हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि डोमिनोज में भी ये पिज़्ज़ा सर्व होता है, क्योंकि पिज़्ज़ा का साइज़ बहुत बड़ा है। सात तरह के इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन है, अलग अलग चीज़ें पड़ी हैं इसमें, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही मज़ेदार है। चलिए चलते हैं अगली जगह। पिज़्ज़ा ट्रेनो भाई भूख लगी है। ये मैं तुम्हें जामुन शॉट जामुन ही लगा है। एक्चुअली इसको ना ये जामुन शॉट तो जरूर है, लेकिन हम इसको एक बार में नहीं ले सकते, इसका स्वाद नहीं आएगा, तो मतलब क्या है कि जो टकला शॉट होता है ना, ऐसे डाला और ऐसे एक बार में खींच गए, हिम्मत नहीं है एक बार में खींच जाए ना, तो भाई प्रॉपर्टी छोड़ो मैं खुद ही उसके नाम लिख जाऊंगा, रामू काका बना देना मुझे, बहस नहीं है। मुझे लगा मैंने ये उठाया इस हिसाब से कि ये गया और वो गया के मोटो पे रुक गया, बट इट इज वंडरफुल। जो लोग जामुन नहीं खा पाते वो जामुन शॉर्ट्स ले, क्योंकि इसमें फील है, और जामुन के ऊपर जो हम हल्का जो सॉल्ट जो डालते हैं ना उसका भी फील आ रहा है, तो बहुत ही बेहतरीन जगह आप लेकर आए। मैं हल्के में ले रहा था, मैंने पता नहीं क्या जामुन शॉर्ट पागल कर दिया, बट मैंने जितनी आइसक्रीम खाई है अभी तक और जो भी मैंने मीठा खाया है उसमें सबसे बेस्ट मुझे ये लगा है। भाई इनकी ब्रांच मुंबई में खोल दो, वहाँ वैसे भी आधे पागल लोग रहते हैं, एक्टर बनने जाते हैं बनते हैं नहीं तो पागल हो जाते हैं, तो ये शॉट लगाएंगे। तो रवीना जी कैसा लगा जामुन शॉट? जामुन तो दिल को भाग गया, मतलब बहुत मजा आ गया, है स्पेशल बहुत ही मतलब अमेजिंग। मुझे लगा था कि यार ये टकीला जैसे होता है कि हम एक बॉटम सर्व में मारते हैं लिया और ऐसे मारा पूरा एक बार में खत्म करना होता है, बट ये क्या है कि प्योर जामुन है और इसका फ्लेवर जो है वो जामुन से बिल्कुल भी परे नहीं है और इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, तो ये बहुत ही रॉ है, तो मतलब इसको खत्म करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन भाई ये मजा ऐसे दे देता है जैसे आपने एक पाव जामुन तो खा ही ली हो, बहुत ही बेहतरीन। मतलब इससे मतलब आप अगर सीजन में मतलब दो चार बार ये शॉट ले लो तो मतलब ऐसे हो जाएगा कि आपको लगेगा कि आप भाई जामुन खा लिए आपने,
और ये देवी जी की कृपा है कि आज हम लोग जामुन शॉर्ट्स मिल गए क्योंकि दो दिन से बोल रहे थे और मजा आ गया। तो देखिए दोस्तों, आज का सफर यही हम खत्म करते हैं। सुबह से शाम तक बहुत मजा आया, बहुत सारी चीजें की, बहुत सारा फन किया। तो आप भी इसको लीजिए और हम तो एंजॉय कर ही रहे हैं, आप भी आओ जामुन शॉर्ट्स। बिल्कुल, और इनको नशा हो गया जामुन शॉर्ट्स का। रवीना जी, हम कहाँ आ गए हैं? ये तो मुझे नहीं पता। हम आ गए हैं ड्रीम फेस्टिवल में। ड्रीम फेस्टिवल? अरे ये बड़ी ड्रीमी जगह है, लोग ड्रीम करते हैं यहाँ आने के लिए, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ पर। पानी के झरनों की जो आवाज है ना, और ये कितना ब्यूटीफुल, कितना सुंदर पानी है। ओह हो, क्या बात है। कोई गाना सुना तुमने? झीलों की लहरों पे एक शहर हो, झीलों की लहरों पे अपना एक घर हो, वन ऑफ द वंडरफुल प्लेस इन सूरत यार। तो मैंने टेबल बुक कर दी है, ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, चल के खाना ऑर्डर करते हैं और खाना खाया जाए। तो चलें? यस, चलिए इधर। रवीना जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा तो दिल मन सब खुश हो गया, सब गार्डन गार्डन हो गया। झरने वरने देखो, यहाँ पर पानी बह रहा है ऐसे सुंदर सुंदर, और मतलब आपका रोम रोम रोमांटिक हो जाएगा भाई। मतलब कपल अपल के लिए तो एकदम बेहतरीन जगह है भाई। मतलब आ जाओ यार, मतलब मजा आ जाएगा। फैमिली फैमिली का भी बड़ा अच्छे से यहाँ पर इंतजाम है, पूरी पूरी फैमिलीज आई हुई हैं, तो वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो मतलब बहुत ही मजा आ रहा है यार, खुशी देखो, खुशी देखो भाई। फेस्टिवल में जो आए मेरा तो हमने ऑर्डर कर दिया यहाँ पर काजू, काजू करी है, और एक है पनीर, सिग्नेचर पनीर है, और एक हमने स्पेशल बिरयानी की है। और ये बिरयानी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन बताऊंगा नहीं कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर जादू का पिटारा है, जब ये खुलेगा तो इसकी खुशबू से हम मदहोश हो जाएंगे। तो इसको बाद में खोलेंगे, कहीं आप मदहोश ना हो जाएं इसके लिए। अरे यार, इतने सारे आइसक्रीम खाने वाले हो तुम? हाँ जी। कौन से कौन से आइसक्रीम है? और जामुन कुल्फी और खाई देते हैं। नमस्कार, मैं जिमी जोरदार आरटीओ के पास आथवा सर्कल के पास खा रहा हूँ कंसार थाली, और ये प्योर ऑथेंटिक गुजराती थाली है। इसमें इन्होंने मुझे बहुत सारे वेजिटेबल सर्व किए हैं, इसके साथ मीठे में मुझे आमरस भी दिया है, एक वाइट करी दी है जो कि गुजराती स्पेशल है, और इसके साथ मुझे ये रोटी दी है, रोटी में घी लगा हुआ है, और ये छोटी छोटी पूड़ियाँ हैं, और मीठे में भी यहाँ पर मुझे बर्फ़ी और ये ढोकला सर्व किया गया है। इसके साथ ये छाछ है। तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ और बता रहा हूँ, और इसके साथ थोड़ा मुझे राइस और ये दाल भी दी गई है जो कि यहाँ की स्पेशल है। तो गुजरात का मतलब फुल फ्लेवर आने वाला है यहाँ पर। तो चलिए मैं टेस्ट करके बताता हूँ। सबसे पहले तो ये दाल टेस्ट करता हूँ कि कैसी है। जनरली मैं घर पे बनाता हूँ, या मेरे घर पे बनती है मसूर की या पीली दाल बनती है मूंग वाली, बट ये दाल में थोड़ा सा फ्लेवर अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि गुजराती है तो उस हिसाब से उसका टेक्सचर रहेगा। ये मुझे लग रहा है मेरी वाली दाल है, गुजराती।
इसमें थोड़ा मीठापन है क्योंकि जनरली गुजराती कुछ भी फूड रहता है उसमें हल्का सा मीठा टेक्सचर रहता ही रहता है। अब ट्राई करते हैं पनीर। और वैसे मुंबई वालों से मैं ये कहना चाहूँगा कि कंसार वहाँ पर बोरीवली में भी है। मुंबई वालों से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर गुजरात में सूरत में बैठ के कंसार थाली एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन आपको अगर गुजराती ऑथेंटिक फूड ट्राई करना है मुंबई में तो आप बोरीवली में ट्राई कर सकते हैं। इनका एक ब्रांच वहाँ पर भी है, बोरीवली चीकू वाली जोगर्स पार्क में। कंसार थाली गुजराती फूड ऑथेंटिक फूड आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल तो मुझे मज़ा आ रहा है और यहाँ पर आलू भी है तो पूड़ी और आलू का मज़ा लेते हैं ज़रा। मज़ा आ गया भाई इस थाली को खाकर। एक लास्ट चीज़, मुझे आम तो बहुत पसंद है तो मैं आम रस ट्राई करता हूँ। एक नंबर। तो भाइयों आप बने रहिए हमारे साथ, भाई भूख लगी है। और कंसार थाली जैसे कि मैं खा रहा हूँ गुजराती फुल ऑथेंटिक फूड, तो आप अगर सूरत आएँ तो ये थाली ज़रूर ट्राई करें क्योंकि यहाँ पर खाना तो बहुत सारा है लेकिन आपको गुजराती टच अगर आपको चाहिए तो कंसार में आएँ और थाली खाएँ। तो मैं हूँ अभी खाउदड़ा गली भागल में। यहाँ पर खाने खाने के बहुत सारी चीज़ें हैं, एक से एक वैरायटी है। मुझे अभी मिली है चोला बल्ली। एक मिनट इधर आओ ना, इधर आ जा। नाम? चोला बल्ली। आपका? मेरा नाम है हुसैन। हुसैन भाई इधर आओ। तो ये हम हैं भागल पे रुवाला देखला। उतना नहीं, वो मुझे इतना पता है ये खाउदड़ा गली है। खातरा। तो भागल में खातरा गली में मैं हूँ और मैं ये खा रहा हूँ छोला बल्ली। भाई मैं ये नाम ना इनसे पूछकर कागज पर लिखवा कर फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, क्योंकि ये मुझसे हो ही नहीं रहा है। फल्ली ओ छोला फल्ली अपने सलमान भाई ने बनाए ले। अरे क्या बात है, सलमान भाई छोला फल्ली भी बना रहे हैं आजकल। एक नंबर स्वादिष्ट। सॉरी बनाने वाले उधर हैं। अरे सलमान भाई है वो भी। हम आ जाएंगे ना उल्लू टुकड़े। अरे बिल्कुल अपना भाई भूख लगी है। अरे बिल्कुल दौड़ के आएगा ये और ये छोला फल्ली भी आएगी। तो भैया मार्केट में बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ भिन्न भिन्न तरह के व्यंजन हैं जिनका मैं लुत्फ़ उठा रहा हूँ। और भाई
ये तो बहुत ही मज़ेदार है, क्रिस्पी है, क्रंची है और चटनी के साथ बहुत मज़ा आ रहा है। क्या बात है, सूरत आए हैं तो ये खावदरा गली में जरूर एक चक्कर मारें। तो हम अभी कहाँ पर हैं? चौटा बाजार भागल पे। भागल चौटा बाजार, चौटा बाजार में है ये, पीछे जो कौन सा गली है, खावदरा गली के अपोजिट वाली गली में है। और यहाँ पर हम खा रहे हैं ये चौला फली, नागर की चौला फली। और इसकी चटनी इतनी बेहतर है, इतनी भयंकर है कि भाई अभी दूसरी बार आए हैं खाने के लिए। और ये दिखाओ, रोज खाने आते हैं दो दो बार, मतलब ऐसा क्या है इसके अंदर, ये भाई बताएंगे। मनीष जी आइए बताइए, मनीष जी ये मतलब इतना सुबह में अभी आया था, मतलब शाम के टाइम ये पूरा आपका भरा हुआ था और अभी एकदम खाली हो गया, इसमें लोगों को क्या लगता है कि मतलब क्या है, आप कैसे का फेमस है? अच्छा, बट मैं तो अभी पूरा सूरत घूम रहा हूँ, अभी मुझे पहली बार ही मिला ये और मज़ा आ गया। स्पेशल आइटम है गुजरात की छोला फली, छोला फली गुजरात का स्पेशल आइटम है और खाने में मज़ा आ रहा है क्योंकि अभी मुझे खमन मिला, लोचो मिला, मुझे लगा कि सब खत्म हो गया, लस्सी वस्सी खाई, फिर अभी देखा कि सडनली कुछ और मिला। और आप कह रहे हो ये गुजरात का बेहतरीन आइटम है, तो भाई सूरत में आए आप, अहमदाबाद, गुजरात में तो हर जगह ही मिलता होगा ना, सब जगह, पर मुझे पहली बार मिला है भाई और मैं चटोरा आदमी हूँ तो मज़ा आ गया यार अहमदाबाद का। एक राजकोट का भी कुछ मैंने खाया था, वो भी कुछ फेमस था, दाल पकवान, वो भी किसी ने कहा अरे भाई ये फेमस है, अरे मैंने कहा अच्छा फेमस है, क्योंकि वो इतना स्वादिष्ट था ना, बट मज़ा आ गया भाई। तो मनीष भाई की ये छोला फली खाने जरूर आए, इस मार्केट में आए तो मज़ा आ गया। नमस्कार, मैं जिमी जोरदार हूँ खावदरा गली भागल में और ये एरिया आता है सूरत में और ये जो जगह है यहाँ पर मिलता है ऑथेंटिक फूड और ये फूड मिल रहा है यहाँ पिछले 50-60 सालों से और यहाँ पर पुराने पुराने घर हैं, माहौल भी इधर थोड़ा पुराना है, खाना भी पुराना है लेकिन खाने में स्वाद है, खाना ऑथेंटिक है। आजकल शहरों में बड़ा फास्ट फूड मिलता है लेकिन आपको थोड़ा सा देशी और पुराना खाना है तो सूरत आएँ तो खावदरा गली में ज़रूर आएँ, यहाँ पर आपको डोसा मिलेगा, यहाँ पर आपको पाव भाजी मिलेगी और यहाँ पर हनुमंते का फलूदा भी मिलेगा जो कि इनकी यहाँ पर चार दुकानें हैं भाई, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं तो चार पे आपको खाना ही पड़ेगा और ये शर्त है कि आप खाओगे। तो इस गली में शुरू करते हैं हम अपना सफ़र। भागल में खावदरा गली में आ रहा है बहुत ही मज़ा, यहाँ हैं बहुत ही सारे व्यंजन, मतलब इतने लजीज और इतने स्वादिष्ट कि मतलब रहा नहीं जा रहा है, क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फिलहाल मैंने पाव भाजी बनवाई है यहाँ की स्पेशल और इसमें क्या है कि थोड़ा सा भिंडी और ये बैगन है, बाकी तो टमाटो वगैरह जो होता है वो है ही है। तो लेट्स ट्राई, पाव का स्टाइल भी थोड़ा इनका हॉट डॉग वाला है, बहुत ही मज़ेदार है, क्या बात है। और यहाँ पर लोगों का आराम का मामला है, अपना चॉइस का मामला है, तो अपनी चॉइस है आज ये, तो खाते हैं देखते हैं, बड़े प्यार से खिलाई जा रही है, देखते हैं कि स्वाद कैसा है। भाई बहुत ही बेहतरीन, अमेजिंग। तो अब चलिए दूसरे स्टॉल पर देखते हैं कि क्या है, ये तो मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रही है और मज़ा आ गया,
जिंदगी का मजा जीने में है और खाने का मजा पाव भाजी में है। तो मैं अभी हूँ खाउदरा गली में और ये है भागल में, भागल है सूरत में। और ये जो गली है यहाँ पर मिलता है 60-70 साल पुराना बेहतरीन वाला खाना, और जो लोग यहाँ एक बार आते हैं वो दोबारा जरूर आते हैं और 10 लोगों को और लेकर आते हैं। तो मेरे साथ हैं किशन जी। किशन जी बताइए इस गली के बारे में और अपने बारे में और ये जो आपका चाइनीज़ खाना है इसके बारे में। देखिए ये गली बहुत पुरानी है, बहुत तो पुरानी गली है, पहले की है, मतलब समझिए 35-40 साल हो गए, 35-40 साल। और यहाँ पर कैसा है कि वेज में आपको हर क्वालिटी मिलेगी, चाइनीज़ है, डोसा है, पाव भाजी है, ठीक है, उसके बाद आप क्या बोलते हैं, मतलब वेज में सब आइटम, पंजाबी है, सब मिलती है और सब अच्छी आइटम मिलती है। आप एक बार खाओगे तो यूँ समझो कि सूरत कभी भी आओगे तो खौदरा गली में एक बार आपको आना ही आना है। और किशन भाई के यहाँ पर चाइनीज़ खाना ही खाना है। हमारा शॉप है साई चाइनीज़ करके, हाँ, खौदरा गली में। अब आइए और सबसे अच्छी और वैरायटी आपको खिलाऊंगा बस। और इसी वैरायटी में एक मुझे हाफ हक्का नूडल्स कर दीजिए रेडी, पार्सल कर रहे हैं। अभी एक बन रहा है हक्का नूडल्स, जोरदार बनेगा, बिल्कुल जोरदार बनेगा, क्योंकि आदमी जोरदार है, काम होगा शोरदार, जोरदार जोरदार। जो खाते हैं अभी हक्का नूडल्स बनने वाला है और तड़का मार के किशन भाई का तड़का और लोगों का दिल फड़का। भाई का नाम क्या हुआ? नीरज। नीरज और भाई का? आसू। नीरज आसू और ये लारी का सेठ में और गाड़ी का सेठ ये भाई। भाई का नाम हरी भैया। हरी भैया और सब बोलेंगे एक बार भाई भूख लगी है, एकदम जोर से खिलाएंगे, एकदम जोर से खिलाएंगे, भाई भूख लगी है, लगी है, लगी है, जोर से खिलाएंगे, जोरदार खिलाएंगे। आ जाइए भागल में, मुफ्त में आपको लगी है, लगी है। यस भैया, जय भारत माता की।